नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये जो लैपटॉप है ये लैटिट्यूड आप देख सकते हो, लैटिट्यूड E5450 ये लैपटॉप है। और इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है वो था इसके वेबकैम का। तो इसमें जो वेबकैम था वो बंद हो गया था, मैं कितना भी ट्राई करूं लेकिन टेस्टिंग के दौरान वो वेबकैम ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो देखिए अब मैंने इसके लिए क्या किया। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा कि इसका जो बिजल है वो बिजल ये जो है ये आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन इसको खोलने के लिए आप जो है एक ऐसा जो ओपनर, मतलब किसी भी मोबाइल शॉप में आपको ये ओपनर मिलेगा, ये ओपनर आपके पास होना चाहिए या फिर ये वाला ओपनर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वेबकैम ओपनर आपके पास नहीं है इस बिजल को खोलने के लिए, तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे, आप डायरेक्टली किसी स्क्रू ड्राइवर से या डायरेक्टली किसी से किसी और टूल से इसे खोलोगे। क्योंकि अगर आप किसी और टूल से इसे खोलते हो तो 90% चांसेस बनते हैं आपका जो स्क्रीन है वो डैमेज होने के। तो अगर आपको डैमेज होने से बचाना है तो आपको ये वाला या फिर ये वाला ओपनर आपके पास होना चाहिए। अगर ये ओपनर आपके पास है तो आपको बहुत आसानी होगी इसे खोलने में। बस आपको क्या करना है, ये जो है ये यहाँ पे ऐसे डाल के आपको ये ऐसे आपको, ठीक है, और फिर नीचे के तरफ से आपको क्या करना है, ये ऐसे आपको इसे खोल लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से ये जो इसका बिजल जो है वो खुल जाएगा। और आपको एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये जो बिजल होता है ये बिजल स्टिक, मतलब एक स्टिक से यहाँ पे चिपकाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर पहली बार अगर आप ये लैपटॉप में से अगर खोल रहे हो तो ये बहुत ही रिस्की होगा कि आप डायरेक्टली विदाउट इस ओपनर के आप इसे खोलते हो तो 90% चांसेस बन जाते हैं देखिए इसे स्क्रीन डैमेज होने में। अब वो डैमेज कैसे होगा, इसका रीज़न ये है कि जो इसमें जो एलईडी स्क्रीन है ये पेपर एलईडी स्क्रीन है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप देख सकते हो नीचे ये जो ये प्लास्टिक का जो होता है जो कि सर्किट के साथ लगा होता है, तो ये आपके बिजल के जो बॉटम जो होता है इस बॉटम के साथ ये बहुत ही हार्डली चिपक जाता है। और होता क्या है, अगर ये बहुत ही हार्डली अगर चिपका हो तो जब भी आप इसे खोलने की कोशिश करते हैं तो ये वाले प्लास्टिक जो है इसके साथ निकल आता है। और अगर वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो तो आपका स्क्रीन भी, मतलब जो स्क्रीन का जो लेयर्स होता है जो फर्स्ट वाला ग्लास वाला लेयर वो भी निकल आता है, उससे आपका स्क्रीन जो है वो डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बिजल खोलने का एक सेफ तरीका जो आपको मैंने अभी बताया। और दूसरा चीज़ ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वेबकैम सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे जो है ये कनेक्टर है जो कि इस सर्किट के लिए यहाँ से स्क्रीन के पीछे से यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए अगर आपका वेबकैम काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये वेबकैम सर्किट और माइक्रोफोन सर्किट ये कंबाइन सर्किट होता है, इसे आपको खोल के यहाँ पे जो कनेक्टर है वो निकालना पड़ेगा। निकालना मतलब कैसा है, ये जो व्हाइट आपको जो व्हाइट लाइन ये जो कनेक्टर दिख रहा है वो नीचे के तरफ को आपको खींचना है। लेकिन आपको कब खींचना है, देखिए यहाँ पे जो ये स्क्रीन है स्क्रीन को आपको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये चारों स्क्रूज जो है आपको निकाल लेने हैं। और निकालने के बाद आपको आपको क्या करना है, ये
करेक्टर जो है वो निकाल के वापस से बिठा देना है, और बिठा के आपको यहाँ पे वेबकैम का जो है यहाँ से आप देख सकते हो। आप इस वेबसाइट पे चली जाइए, जो कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, webcamtest.com करके है, और वह यहाँ पे चेक वेबकैम आप कीजिए। चेक वेबकैम करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन होता है वो सर्च करेगा आपके लैपटॉप में वेबकैम, और वेबकैम वो आपको दिखाएगा कि आपका जो वेबकैम है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। देखिए अब आपको क्या करना है, ये भी अगर ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर निकाला वापस लगाया, लेकिन अगर तब भी आपका वेबकैम काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्किट है इसे आपको थोड़ा निकालना है, और निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो ये कनेक्टर है तो कनेक्टर आपको थोड़ा ब्रश से क्लीन कर लेना है। क्लीन कैसे करेंगे आप, थोड़ा आईपी डाल के आपको स्क्रीन कर लेना, क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आपका ये जो सर्किट है वो वापस से एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है एक्टिवेट करना इसे, क्योंकि सर्किट में देखो खराबी तो 99% खराबी नहीं आती है, लेकिन सर्किट है खराब हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन रिपेयर करना भी आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे मैंने आपको कहा है बस आप वैसा प्रोसेस अगर करते हो तो आपका वेबकैम ये शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया। क्योंकि ये लैपटॉप जो अभी मेरे पास रिपेयर के लिए जो आया था, इसका प्रॉब्लम यही था कि इसका वेबकैम जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसका जो कनेक्टर है उसे निकाला, उसे क्लीन किया, क्लीन करने के बाद अच्छे तरह से मैंने इसे लगाया, और लगाने के बाद देखो अब होता क्या है कि ये जो सर्किट है वो सर्किट निकल जाता है, क्योंकि ये भी पीछे से इसको चिपका हुआ होता है, लेकिन एक बार हम इसे निकाल देते हैं उसका स्टिक निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट में ऐसा एक स्टिक फास्ट करके आता है, ठीक है, एक स्टिक फास्ट एडहेसिव होता है ना, तो वो उसके पीछे से थोड़ा सा लगा देना है, और लगाने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है क्योंकि ये निकल वापस से नहीं आएगा, अच्छे से वहाँ पे चिपक जाएगा, जैसे कि अभी मैंने ये चिपका दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हेडशॉट फिल्म्स। थैंक यू।